20 दिन में 30,000 अर्निंग चैलेंज का आज है डे 24। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं एफटीसी चैनल। आज है सैटरडे का दिन, थोड़े से ऑर्डर कम होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर भी हम लोग फील्ड पे निकले हैं, देखते हैं आज हम लोग का टारगेट अचीव होता है नहीं होता है, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल अपने को फर्स्ट ट्रिप आ गई है, फटाफट चलते हैं अभी डायरेक्ट वहीं पे पिकअप करने के लिए, पिकअप लोकेशन पे डायरेक्ट आपको मिलता होगा। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं अभी ड्रॉप करते। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, 13 किलोमीटर दूर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से पार्सल को करते हैं ड्रॉप। और एक्चुअली गाइस ये जो मेरी आईडी है ना जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरी दूसरी वाली आईडी है और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा गिर गया है, मतलब बहुत कम हो गया है। और अपने को ना जो अगले महीने के लिए ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे ना परफॉर्मेंस तो अपना जो है प्राइम पार्टनर वाली जो आईडी है वो उसको बंद कर देगा पोर्टल, मतलब हम लोग को नॉर्मल कर देगा। अभी फिलहाल क्या है ना, ये महीने के लिए दोनों भी आईडी जो है ना मेरी प्राइम है, 10 सेकेंड पहले मैं ऑर्डर उठा सकता हूँ दूसरे के मुकाबले में। तो यही अगर मुझे कंटिन्यू रखना रहेगा ना तो ये वाली आईडी का ना मुझे ऑर्डर बढ़ाना पड़ेगा, और ये आईडी का ऑर्डर बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मारना पड़ेगा गाइस, और उसी से अपना जो है परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जो मलाड वाला जो पार्सल उठाया हूँ जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा रहेगा, यहीं से बाजू से पिकअप किया था और इसको देना है मलाड में। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ यही वाली आईडी में ऑर्डर उठाऊँ, ये वाली ऑर्डर नहीं उठाओ, इसमें कैसा है ना ऑलरेडी अपना परफॉर्मेंस और लॉगिन ऑर्डर देना है, इसमें वो दे देंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, बट अभी इसका जो है परफॉर्मेंस बढ़ाना है, टाइम है अपने पास, ऐसा नहीं है ये महीने के एंड तक अपने को देना है। चलते हैं अभी पार्सल करते हैं ड्रॉप, फिर उसके बाद देखते हैं। सो गाइस पार्सल लेके हम लोग पहुँच गए ड्रॉप लोकेशन पे गोरेगांव में, फटाफट पार्सल देते फिर उसके बाद में मैं मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अपना ये जो पार्सल था वो तो ड्रॉप हो गया है और अभी बारी है सेकेंड ऑर्डर की, तो अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे साइड में रुकते हैं छांव में कहीं पे और दूसरे ऑर्डर का वेट करते हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ गोरेगांव में। सो गाइस ये रही अपनी गाड़ी, इसको लेते हैं गाड़ी को, यू टर्न मारते हैं वहाँ से और वहाँ पे छांव है मस्त झाड़ के, वहाँ पे जाके बैठते हैं, ऑर्डर का वेट करते हैं। सो गाइस जस्ट मैं वहाँ से यहाँ पे आके बैठा हूँ और मुझे एक ऑर्डर आ गया है 173 का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा रहेगा, इसको लेके जाना है अपने को सांता गुरुज। पिकअप लोकेशन जो है गोरेगांव से, मतलब अभी हम लोग ईस्ट में है, अपने को वेस्ट में जाना है, बाजू में 1.5 किलोमीटर दूर है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको बता दूंगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से पिकअप करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं सांता क्रूज। सो गाइस कस्टमर से बात हो गई है, चलते हैं अभी फटाफट से पार्सल को लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है पार्सल। A few inches later. So guys, पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, पता नहीं क्या चीज़ का रोल है, तो इसको लेके जाना है अपने को सांता क्रूज जो कि यहाँ से रहेगा ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर। ठीक है अभी चलते हैं फटाफट ड्रॉप करते हैं और उसके बाद देखते हैं वहाँ से अपने को कौन सा ऑर्डर लगता है। सो गाइस पार्सल लेके हम लोग ड्रॉप लोकेशन पे पहुँच गए D1 बिल्डिंग में, अभी बारी है कस्टमर को कॉल करने की। एक बार कस्टमर को कॉल करते हैं और पूछ लेते हैं गाइस के रूम नंबर क्या है, बिकॉज कस्टमर ने जो है डिटेल में रूम नंबर नहीं डाला है, सिर्फ बिल्डिंग का नाम और एरिया डाला है। ठीक है तो अभी कस्टमर को कॉल करके रूम नंबर पूछ लेते हैं। हाँ पोर्टर से बात कर रहा था मैं, ड्रॉप ये अपना सांता क्रूज में हूँ ना मैं, आया हूँ अपना इधर से जोगेश्वरी गोरेगांव से, ये अपना D1 में खड़ा हो, कहाँ पे आना है रूम नंबर बताओ ना, टू व्हीलर है बाइक है कुछ तो, ये D1 बिल्डिंग ऑफिस नंबर 2। ठीक है। तो गाइस कस्टमर का लोकेशन पता चल गया है, तो अभी चलते हैं फटाफट से पार्सल करते हैं ड्रॉप। A few inches later. So guys, अपने को एक ऑर्डर आया है जो कि सांता क्रूज वेस्ट से है और इसको लेके जाना है ग्रांड रोड। पिकअप लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं, बस पैकिंग हो रहा है, जैसे ही पैकिंग होता है फिर हम लोग निकलते हैं पार्सल को लेके, यहाँ से अपने को लेके जाना है ग्रांड रोड। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, चलते हैं अभी फटाफट लेके इसको ग्रांड रोड। क्या हो गया भाई? सो गाइस पार्सल हम लोगों ने ले लिया, इसको लेके जाना है अपने को ग्रांड रोड में, और अभी मैं निकल गया हूँ, आधा रास्ता पहुँचने वाला हूँ, आधा रास्ता मतलब अभी जस्ट निकला हूँ, और इसको हम लोगों ने उठाया है ज़ारा बैच से। ठीक है चलते हैं अभी फटाफट से पार्सल को करते हैं ड्रॉप। पार्सल लेके हम लोग पहुँच गए ड्रॉप लोकेशन पे, गैलेक्सी सिरामिक्स में देना है, और इसके अंदर ना गाइस बेसन है, बेसन जो वॉशरूम करते ना वो है इसके अंदर। क्या बोला तूने? और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बेसन टाइप में सब कुछ दिख रहा है, वॉशरूम करने वाला नहीं, सॉरी हाथ धोने वाला, वॉशरूम करने वाला बेसन नहीं होता हाथ धोने वाला जैसा कि आपको दिख रहा है उधर। तो फटाफट चलते पार्सल को करते हैं गैलेक्सी में ड्रॉप।
सो गाइस पार्सल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है गैलेक्सी में। सो गाइस अभी जस्ट मुझे एक ऑर्डर आया था, खैराने नवी मुंबई का आया था, मतलब 550 रुपये का ऑर्डर था, बट मैंने उसको उठाया नहीं बिकॉज वहाँ पे अपने को ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि आज है सैटरडे का दिन और बहुत सारी हॉलीडे भी है कंपनियों की, तो इसी की वजह से मैं सोचा कि आज सिर्फ वेस्टर्न लाइन खेलने का अपने को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब ये बोरीवली तक का और या मुंबई से बोरीवली, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न लाइन। तो अभी देखते कोई ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने उठा लिया, अपने को एक ऑर्डर आया था जो कि अपने को विले पार्ले लेके जाना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा, ठीक है, 200+ का ऑर्डर है, तो हम लोगों ने पार्सल उठा लिया है, चलते हैं अभी वीफास्ट चेक करता हूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो यही लेके निकलेंगे हम लोग। सो गाइस वीफास्ट भी मेरा चालू है बट वीफास्ट में भी कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है अपने नियर बाय, मतलब ये जहाँ देना है ये पार्सल, और दूसरी आईडी भी मेरी चालू उस पर भी कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है वो सब साइट का, विले पार्ले अंधेरी आर सांताक्रूज साइट का, और आ रहा है तो भलते भलते ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ गाइज आज सैटरडे का भी दिन है तो ज़्यादा कुछ ऑर्डर खास है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला पार्सल लेके निकल जाओ, फिर मुझे तो लग रहा है मुश्किल लग रहा है विले पार्ले जाने के बाद में, अभी क्या है 1 घंटा तो मुझे लगेगा जाने के लिए विले पार्ले, फिर वहाँ से छोटे मोटे ऑर्डर मारेंगे, देखेंगे अगर मिलता रहेगा तो, जो भी रहेगा वहाँ चलने के बाद डिसाइड करते हैं अपन क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे 26% हाइक तो दे रहा है वीफास्ट वाला, बट यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो ये परसेंटेज हाइक का मतलब ही कुछ रहेगा ही नहीं गाइस। हाँ सर, एक्चुअली ड्रॉप लोकेशन पे आया हूँ लेकिन शॉप बंद है और कॉल भी नहीं उठा रहे हो। हाँ कॉल, सो गाइस जहाँ से मैंने पार्सल लाया था ना वहाँ पे कॉल लगाया, अभी ड्रॉप लोकेशन पे कॉल लगाया तो कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है और शॉप भी उसकी बंद है ये रही, तो शॉप भी बंद है और पार्सल भी अपना लेके आ गया हूँ मैं विले पार्ले में, देखते हैं अभी क्या होता है। जहाँ से मैंने सामान लाया उसको कॉल करके बोल दिया हूँ मैं कि मैं लोकेशन पे पहुँच गया हूँ और कस्टमर जो है कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर वो कस्टमर नहीं रहेगा तो शॉर्ट हो सकता है, कस्टमर दूसरा पोटर वाले को बुला के वापस से सामान मंगवा सकता है, जो भी खिचड़ी रहेगी मैं आपको बताता हूँ। सामान तो फिलहाल मेरे पास ही है और अभी आगे देखते हैं, अभी 2 मिनट के बाद वापस से कॉल करके। सो गाइस कस्टमर का कॉल आ रहा है जहाँ पे अपने को ड्रॉप करना है। हेलो, पोटर से बात कर रहा था, आपका पार्सल लेके आया था मैं विले पार्ले, वही लोकेशन पे, वो आपकी शॉप के वहाँ पे जहाँ पे ड्रॉप लोकेशन है ना, पार्ले हार्डवेयर, वहाँ पे बैठा हूँ। शॉप तो बंद है ना, कोई है ही नहीं इधर तो। सो गाइस ये शॉप बंद हो गई है और इसके पीछे खुली है, तो देखते हैं अभी वहाँ जाके भी। सो गाइस पार्सल लेके हम लोग पहुँच गए ड्रॉप लोकेशन पे पार्ला हार्डवेयर, वहाँ पे भी था पार्ला हार्डवेयर बट उन लोगों ने जो है 2 साल हो गया ये शिफ्ट कर दिया है शॉप को, तो वहाँ से यहाँ पे हम लोग आए, अभी देखते हैं अभी कितना अपना जो है ट्रिप का फेयर होता है पार्सल लेके जाते हैं। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और अभी एक्चुअली कस्टमर ने क्या गलती कर दिया था, मल्टीपल ऑर्डर क्लिक कर दिया था बट कोई मल्टीपल ऑर्डर लेके नहीं जाने का था अपने को, लेकिन कैसा एक बार क्लिक कर दिया तो हो गया, तो कुछ 50-55 रुपया कुछ इसका एक्स्ट्रा लगाया, मतलब टोटल हम लोगों ने इससे 300 रुपया कलेक्ट किए। अभी मैं हूँ विले पार्ले में और अभी निकलते हैं गाइज, अभी तो कुछ खास इतना कुछ ऑर्डर आने वाला है नहीं, शाम भी हो गई और सैटरडे का दिन है, तो अभी निकलते हैं अभी हम लोग। तो गाइज जैसे ही यहाँ का ऑर्डर हम लोगों ने क्लोज़ किया, अपने को एक ऑर्डर आ गया है, छोटा ऑर्डर है लेकिन अपने एरिया के साइड का ऑर्डर है, इसके लिए मैंने इसको उठाया हूँ, ठीक है। पिकअप लोकेशन है ना सांताक्रूज वेस्ट से और अभी फ़िलहाल मैं हूँ विले पार्ले में, मतलब यहाँ से कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर दूर अपने को जाना है, पिकअप करना है और उसके बाद में अपने को जाना है अंधेरी ईस्ट जो कि अपना घर है, तो अभी चलते हैं फटाफट, एक बार सोच रहा हूँ कस्टमर से बात कर लूँ, बिकॉज 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के बाद में फिर कैंसिल हो गया, मगजमारी हो गई तो अलग बात हो जाती है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे पहले हम लोग कॉल करके निकलते हैं। अपना सांताक्रूज से अंधेरी ईस्ट लेके जाना है ना आपका पार्सल, और सामान क्या है मैडम? गैस का बाटला, वो तो नहीं जा पाएगा मैडम, छोटा है क्या बड़ा है? बाटला एक्चुअली अलाउड नहीं है मैडम। हाँ लेकिन कैसा अभी चेकिंग वेकिंग चालू है ना, तो फिर पकड़ेगा तो फिर फाइन भी मारेगा, अभी एक्चुअली इलेक्शन की वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है, अभी बाटा विटा तो अलाउड नहीं है मैडम। सो गाइज हम लोगों ने ये वाला जो है ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है, बिकॉज 3 किलोमीटर दूर वहाँ जाना और उसके बाद में फिर कुछ एक बाटला है, बाटला वो बाटला लेके जाने का है, तो मगजमारी वाला काम है गाइज, डर डर के जाने से अच्छा हटाओ यार, कैंसिल करवा दो, अभी वो मेरा रीज़न डाल के कैंसिल करेगी मुझे पता है, तो एक्चुअली मैंने इसको कैंसिल करने का रीज़न मेरा यही है कि बाटला लेके जाना अलाउड नहीं है, अगर हवलदार पकड़ेगा तो फालतू का फाइन मारेगा, तो इससे अच्छा हटाओ यार, अपन देखते हैं दूसरा ऑर्डर या तो फिर हम लोग चले जाएंगे वी फास्ट उठा के।
तो गाइज जो अपने को ऑर्डर आया था अंधेरी ईस्ट का, वो ऑर्डर हो गया कैंसिल और कस्टमर ने ना खुद का रीज़न डाला है, ना कि मेरा। मैंने चेक किया, मुझे ऐसा लग रहा था 110% लग रहा था कि वो मेरा ही रीज़न डाल के कैंसिल करेगी, लेकिन कस्टमर ने खुद का पर्सनल रीज़न डाल के कैंसिल किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है गाइज। तो अभी देखते हैं कोई दूसरा ऑर्डर उठाते हैं और फिर निकलते हैं। फिलहाल मैं हूँ विले पार्ले में और अपने को जाना है अंधेरी ईस्ट साइड। तो गाइज 122 रुपये का अपने को एक ऑर्डर आ गया है LIC कॉलोनी विले पार्ले से, और मैं फिलहाल विले पार्ले में ही हूँ LIC कॉलोनी साइड में, और इसको लेके जाना है मरोल में। ठीक है, पिकअप लोकेशन मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैंने गाइज बहुत ज़्यादा बोल दिया 1 किलोमीटर, 140 मीटर की दूरी से है, मतलब अपने को सिर्फ यहाँ से जाना है और बाजू वाली गली, मतलब ये बिल्डिंग का ही है समझ लो गाइज। फटाफट चलते पार्सल उठाते और निकलते हैं मरोल। सो गाइज जो डिज़ाइनर हार्डवेयर लिखा है वहाँ पे तो हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अभी कस्टमर को कॉल करते हैं। एक्चुअली गाइज कस्टमर ने ना एड्रेस डाला है वो ये शॉप का है डिज़ाइनर हार्डवेयर, लेकिन कस्टमर है कहीं और, तो उसको कॉल करके बुलाते, बोलते आपके पिकअप लोकेशन पे आ गए, आप आ जाओ कहाँ पे भी हो। हेलो हेलो, पोर्टर से बात कर रहा था, ये डिज़ाइनर हार्डवेयर के यहाँ पे खड़ा था मैं। हाँ अंश दिख रहा है, हाँ उसके बाजू वाली गली से आओ क्या? सो गाइस कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर बोल रहा है जो हंस लिखा है उसके बाजू में एक गली है, वहाँ से अंदर आ जाओ। तो फटाफट चलते हैं गाइस अंदर वहाँ से और लेते हैं जो भी ये पार्सल। सो गाइस हम लोगों ने पार्सल उठा लिया है मरोल का। ठीक है, अभी इसको डालते हैं गाड़ी के अंदर और फिर निकलते हैं, देखते हैं अगर कुछ और ऑर्डर मिलता है विफाज विफाज में। सो ये है मरोल का ऑर्डर, विफाज विफाज में अगर मिलता है अपने को तो हम लोग वो भी उठा के निकलेंगे। ये देख रहा था मैं, ये अपने घर के आसपास का ही ऑर्डर है, बट इसको पिकअप करने के लिए मुझे ना सांता क्रूज जाना पड़ेगा, और अभी मैं विले पार्ले में था, देखते अगर हुआ तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर ये लेके निकलेंगे हम लोग। तो गाइज एक और अपने को मरोल का ऑर्डर लगा है जो कि हम लोगों ने इसको उठाया है यहाँ से, ये वाली शॉप से, 136 रुपये का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। चलते गाइज अपनी गाड़ी लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाया हूँ और मेरी फट भी रही थी क्योंकि मैं गाड़ी लगाया ट्रैफिक हवलदार इधर ही खड़ा था, अभी तो शायद उधर खड़ा है वो रोड के उस पार। तो अभी चलते अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं। अपने पास अभी फिलहाल दो ऑर्डर है, एक ये और एक गाड़ी के अंदर है, दोनों भी मरोल का ही है, देखते हैं अभी जो जो नज़दीक पड़ता है वो देंगे फिर आगे निकलेंगे। सो गाइज अभी मैं बिस्लेरी साइड पहुंच गया हूँ, मतलब अंधेरी ईस्ट में, पार्सल अपने पास ही है, एक पार्सल ये रहा और एक पार्सल गाड़ी के अंदर है, दोनों भी मरोल का ही है, मतलब आजू बाजू का ही है, और लकीली अपने को मिल गया गाइज, मतलब दोनों भी मरोल के ऑर्डर और घर के भी ऑर्डर अपने को मिल गए। वैसे भी अंधेरा हो रहा था, रात भी धो ही रही थी, तो मैं सोच ही रहा था कि यार घर का कोई ऑर्डर मिल ही जाए, और मुझे मिल गया। इतनी खास अर्निंग तो हुई नहीं गाइस जितनी हमेशा होती है, बट ठीक ठाक हो गई है, नॉर्मल। वो एक्चुअली छठ पूजा, फिर दिवाली, फिर ये, फिर वो फंक्शन आते जा रहा था, तो अभी कैसा है, और ज़्यादातर लोग जो है छुट्टियां मनाने के लिए गांव भी चले गए, उसकी वजह से जो है मार्केट में ऑर्डर भी नहीं है। तो देखते हैं, अभी मंडे से मेरे को लगता है सब बराबर होना चाहिए, ऑर्डर बिडर एकदम होना चाहिए मस्त एकदम। हम लोग का जो चैलेंज है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है अभी, बिकॉज जो अपना चैलेंज का जो अमाउंट है वो थोड़ा दिवाली में थोड़ा हाई था, इसकी वजह से जो है हम लोग कम भी कमा रहे हैं ना, तो वो एवरेज हो जा रहा है। तो अभी देखते हैं गाइस कब तक का वो कंप्लीट हो जाता है। मंडे से तो मुझे लगता है कि वापस से ऑर्डर पहले के ऐसे हो जाना चाहिए था, मार्केट में जैसा होना चाहिए वैसा हो जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, अभी तो कल संडे है, कल भी ऑर्डर नहीं रहेगा, और फिर परसों के दिन मंडे है, मंडे के दिन फिर हम लोग निकलेंगे फील्ड पे, तो देखेंगे क्या है क्या नहीं, सिचुएशन कैसी है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं अभी मरोल, ये वाला पार्सल लेते हैं और करते हैं ड्रॉप, ये और मेरे गाड़ी के अंदर एक और है वो। ठीक है, वीफास्ट भी चेक किया गाइज, मगर वीफास्ट मिला नहीं अपने को, और एक्चुअली क्या है ना, ऑर्डर कहीं पे भी नहीं है, मतलब ना वीफास्ट में है ना ऑर्डर, ना पोर्टर में ऑर्डर है, दोनों जगह पे नहीं। अगर रहेगा तो दोनों जगह रहेगा ऑर्डर, और नहीं रहेगा तो कभी भी नहीं रहता है, मतलब कहीं भी नहीं रहता, दोनों भी जगह नहीं रहता है। तो अभी देखते हैं पार्सल को करते हैं ड्रॉप, फिर उसके बाद में मैं मिलता हूँ आपसे। सो गाइस जो गाड़ी के अंदर पार्सल है ना वो अपने को यहाँ देना, अपने को लेफ्ट मार के यहाँ से जाके यहाँ देना है, और जो ये वाला पार्सल है ना गाइस दूसरी आईडी का, वो अपने को यहाँ पे कहीं देना है। तो पहले हम लोग है ना ये वाला पार्सल देखे, फिर उसके बाद में ये वाला पार्सल देखे। तो गाइज ये वाला पार्सल देने का टाइम हो गया है, और इसको देना है अपने को पार्टी जोन में, पार्टी जोन सिस्टम में। तो ये वाला पार्सल दे देते हैं,
फिर उसके बाद में ये वाला पार्सल जो है वो रोड के उस साइड है। पहले ये वाला पार्सल दे के आता हूँ इधर पे। सो गाइस पार्सल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है और ये ट्रिप थी, पेड ट्रिप थी, कैश कलेक्टेड 0 है। तो 5 स्टार देके इसको क्लोज करते हैं और अभी करते हैं ऑफलाइन, बिकॉज अभी मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने पास एक और पार्सल है, इसको लेते हैं, देते हैं मरोल में, ये बाजू में ही। सो गाइस लास्ट पार्सल मरोल का, द बर्न ग्रिल। फटाफट चलते हैं पार्सल को करते हैं ड्रॉप। हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा था, आपका पार्सल लेके आ गया था मैं, आपने जो लोकेशन दिया है द बर्न ग्रिल में। हाँ 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 भेज दो, मैं यहीं खड़ा हूँ। सो गाइस जब तक कस्टमर नहीं आता हम लोग चलते हैं नागौरी की चाय पीते हैं और उसके बाद में जैसे ही कस्टमर आएगा उसको पार्सल दे देंगे। गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ा कर दी है, चलते हैं अभी नागौरी। बाइक मस्का पाव मुझे भी दे दो। हाँ हेलो, ये नागौरी में हो, नागौरी है ना बाजू में, उधर ही हो। अरे भाई आप दिख रहे नहीं हो, आप आओ तो नागौर। हाँ भाई मिल गया। और इसका पेमेंट कौन करेगा? हेलो, ठीक है गाइस, पेमेंट भी आ गया, आप सामान भी दे दिया हम लोग, चाय अपने पास और मस्का पाव, फटाफट खाते और निकलते गाइस। तो गाइस अभी नाश्ता हो गया अपना, चाय और मस्का पाव का, और अभी चलते हैं। यहाँ पे बहुत सी चिल्लम पुकार गाड़ी की आवाज़ है, तो शांत जगह पे जाएंगे और वहाँ पे अपनी अर्निंग शो करेंगे। सो गाइस दिन हो गया अपना ख़त्म और हम लोगों ने जितना ऑर्डर मारना था मार लिया, अभी बारी है अर्निंग शो करने की। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम लोगों ने कितना कमाया है और कितना क्या एक्सपेंस गया है अपना। 811 रुपये की अर्निंग किया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो दोनों मिला के 908 रुपये की अर्निंग अपनी हो गई है। तो 908 दोनों पोर्टर को मिला के और 100 रुपये अपना जो है पेट्रोल का गया। सो गाइस चैलेंज के 24वें दिन हम लोगों ने सेव कर लिए 24,866 रुपया, मतलब 866 जो है वो अपना एक्स्ट्रा है अपने पास, वो आगे जो है एडजस्ट हो जाएगा। मतलब गाइस आज चैलेंज का 24वां दिन था और अपना जो है सेव हो गया 24,866 रुपया, मतलब 866 है वो जो है एक्स्ट्रा है, मतलब जिस दिन अपने को अर्निंग कम होगी जब वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं, अभी मंडे से अपने को जो है अच्छा खासा अर्निंग करना है, बिकॉज जो है अभी सब दिवाली हो गई ख़त्म, भाई दूज हो गया ख़त्म, सब फंक्शन हो गया ख़त्म, तो अभी है बारी अपने को कमाने की, ठीक है। अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी लोग नए हैं फटाफट जाके सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम की आईडी आ रही रहेगी यहाँ पे, आई एम खान सलमान, वहाँ पे भी जाके फॉलो मारो, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, अभी वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगार आफत आतंक मौत जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल और हाँ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ऑलवेज स्टे एक नंबर।